दोस्तों भूतों का गांव कुलधरा, कुलधरा लिखा हुआ है ना। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं भूतों के गांव कुलधरा में। एक्चुअली में दोस्तों हॉन्टेड प्लेसों में एशिया के दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कुलधरा। राजस्थान का पहले नंबर पर है भानगढ़ का किला और दूसरे नंबर पर आता है कुलधरा। कुलधरा गाँव पंडितों का गाँव था जो आज से करीबन 300 साल पहले खंडर हो चुका है। तो दोस्तों सीधा चलते हूँ आपको लेकर के कुलधरा भूतों के विलेज में। मिलते हैं या नहीं वो देखा जाएगा, परंतु पहले वहाँ चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कैसा है वो गांव कुलधरा। मैंने YouTube पर बहुत सारी वीडियो पढ़ी हैं, देखी भी थी। तो दोस्तों आज कुलधरा लेकर के जाता हूँ आपको और देखते हैं वहाँ पर कैसा हमारा एक्सपीरियंस होता है, आपको भी दिखाएंगे। जैसा जैसा दोस्तों हमारे लाइफ में हो रहा है वो मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ यहाँ राजस्थान की ट्रिप में। तो चलिए दोस्तों सीधा कुलधरा। ये है कुलधरा 0 किलोमीटर। चलते हैं सीधे दोस्तों कुलधरा गांव में। देखिए दोस्तों कुलधरा एक पुरातत्व स्थल, यह है कुलधरा राजस्थान टूरिज्म। ये है कुलधरा, कुलधरा गांव, ये इसका गेट है। यहाँ पर जाने की 50 रुपये की वाहन का चार्ज है, बाइक का, स्कूटी का, और 20 रुपये मेंबर का है। तो ये गेट है कुलधरा गांव का। पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था ये कुलधरा। चलिए अंदर चलते हैं अब लेकर के आपको इस कुलधरा में। दोस्तों चलिए चलते हैं कुलधरा के अंदर। टिकट हमने ले ली है, देखिए ये है कुलधरा। 2 किलोमीटर अंदर जाना है अभी। यहाँ पर ये पत्थर पर लिखा हुआ है इसकी स्टोरी, वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है कुलधरा। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गाँव का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्होंने रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल कुलधरा गांव के अंदर। ये आप जो देख रहे हैं ना पीछे, ये है पूरा खंडर। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों ने ये गांव बसाया था। ज़्यादा सूखा और बरसात न होने के कारण दोस्तों रातों रात इस गांव को खाली कर दिया गया था। आज बोला जाता है दोस्तों कि ये गाँव भूतों का गाँव बोला जाता है। और भारत सरकार द्वारा भी दो जगह, जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि राजस्थान का सबसे नंबर वन पर है भानगढ़ का किला और दूसरा आता है ये जैसलमेर का कुलधरा, ये हॉन्टेड प्लेसों में से नंबर 2 पर आता है दोस्तों। तो हॉन्टेड प्लेस है, चलिए चलते अंदर लेकर के कैसे इनके मकान बने हुए वो दिखाता हूँ। मकान क्या है, टूटे हुए हैं, जर्जर कंडीशन में है पूरे। चलिए चलिए दोस्तों यहाँ पर अब चलते हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, अगर वॉइस की अगर प्रॉब्लम हो तो सॉरी उसके लिए। चलता है हम अंदर लेकर के आपको दिखाते हैं कैसे है ये गांव कुलधरा। हवा बहुत तेज़ चल रही है दोस्तों, माइक भी नहीं लगा सकता हूं और इससे तो मोबाइल ही बेटर है। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये खंडर हो रखी हैं सारे मकान, और सांप वगैरह भी हो सकते हैं इसमें। देखिए खंडर पड़े हुए हैं। बिना चूना मिट्टी के, बिना सीमेंट के, बिना पानी के, पत्थर ही से बना हुआ पूरा गांव। हाँ पूरा गांव।
ये देखिए ये खंडर है पूरा आपका, जहाँ तक नजर जाएगी ना वहाँ तक ये खंडर ही खंडर इसी प्रकार के बने हुए हैं सारे मकान। तो सांप भी चुभी हो सकते हैं। ये देखिए ये है पूरा गांव, बहुत बड़ा गांव था, बहुत सारे घरों का, ये 400 घर थे। हाँ बिल्कुल, तोड़ के इस तरफ भी घर थे, 400 ब्राह्मणों के घर थे। चलिए आगे चलता हूँ, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ये ऊपर से तो छत ही नहीं इनके, यहाँ पर पूरा खंडर तो ये हो ही चुका है, साथ में सांप वगैरहों का भी खतरा रहता है यहाँ पर, तो टूरिस्ट वगैरह आते हैं बहुत सारे। वैसे यहाँ पानी की तो सबसे बड़ी कमी है ही, और दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों हिंदुस्तान के टॉप ब्लॉगर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत सारे आए हैं यहाँ पर ब्लॉगर। मैं आपको बताता हूँ, मिस्टर इंडियन हैकर भाई जो है राजस्थान के ही हैं, वो भी यहाँ आ चुके हैं। क्रेजी अमित सिंह है, अमित भाई, वो भी यहाँ आ चुके हैं। और आर के आर हिस्ट्री है जो अक्सर करके भाई, तो रात को ही उसने तो उन्होंने तो 12 बजे के बाद में ही यहाँ पर शूट किया था। अब 12 बज रहे हों चाहे कितने भी, पर था वो रात का ही सीन, वो शूट किया था। तो दोस्तों अभी आगे लेकर के चलता हूँ, गाड़ियाँ आती हैं टूरिस्ट की यहाँ पर, ये देखिए अंग्रेज वगैरह लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। ये देखिए टूरिस्ट भी जा रहे हैं, भूतिया जगह देखने के लिए टूरिस्ट भी जा रहे हैं, भूतिया जगह देखने के लिए हम भी चलते हैं। ये देखिए सीढ़ियाँ सी बना रखी हैं, ये बाद में बना हुआ है, वो जो जगह है वो भी बाद में बनी है यहाँ पर टूरिस्टों के हिसाब से। ये है दोस्तों भूतिया प्लेस, कुलधरा ये बना रखा है फिलहाल, पहले ये किसी का घर था नहीं, तो यहाँ का जो पालीवाल जो मुखिया होंगे उनका ये घर था। अब इसकी डेकोरेशन वगैरह की हुई है, बस मंदिर भी बना दिया। हाँ उन्होंने बनाया था मंदिर भी, पालीवाल ब्राह्मणों ने। ये सारा चारों तरफ से खंडर है, ये शुरुआत होती है दोस्तों यहाँ से, इस गांव की शुरुआत तो पहले से ही हो गई थी, पर जो मिट्टी से ही किया हुआ है। ये देखिए इधर की साइड में ये ऐसा है, भूतों का गांव कुलधरा, हमको देख के भूत भी चले जाएंगे, मथुरा जिले के भाई भूत तो जाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर है, सुंदर है वो, बाद में इसका मेंटेन थोड़ी सी की हुई है, बाकी कुछ बनाया कुछ नहीं है, टूरिस्ट वगैरह आते हैं इसीलिए। मंदिर है यहाँ पर, ये देखिए एक छोटा सा गुम्बद जैसा बना रखा है, चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए झरोखे में एक कबूतर भी बैठा हुआ है, ये देखिए ये बैठा कबूतर, चलिए। ये देखिए एक वो उसी समय की, देख दरवाज़ा भी उसी समय का है नहीं, है ना उसी समय का, ये देखिए दरवाज़ा, अंदर चलें, तुम जाओ अंदर, क्यों डर लग रहा है, स्मेल भी कैसी आ रही है ना, अजीब सी आ रही है, अजीब सी स्मेल, और तुम्हारा, अरे बाप रे, पता है क्या देखा मैंने, चमगादड़, इसीलिए स्मेल आ रही थी, अजीब सी स्मेल इसीलिए आ रही थी, चमगादड़ है, इसमें चमगादड़ देखो लटके हुए हैं दोस्तों, देखो उड़ भी रहे हैं, उड़ने लग गए मेरे को देख करके, ये देखिए चमगादड़ उड़ रहे हैं ना, इसीलिए चमगादड़ लटकी हुई है, इसीलिए स्मेल आ रही थी इसमें से अजीब सी, देखिए लटकी हुई चमगादड़, ये है सुंदर। गोबर मिट्टी से बना, चलो इसके अंदर चलो, इसमें चलते हैं एक बार। ऊपर से भी ये देखिए लकड़ी से बना हुआ है, उसी पुराने समय की, और ठंडा लग रहा है, रियल में ठंडा लग रहा है। देखिए एक छपकली डोल रही है, ये छपकली क्या खाती हुई यहाँ पर, कुलधरा में रह रही है,
आराम से छिपकी लिए कुलधरा में रह रही है। पुराना ही बना है लेकिन अभी इतना खराब नहीं हुआ है, टूट गया यही बचा है एक। पूरा गांव कुलधरा इसी प्रकार से बना होगा, ऊपर से ये एक रह गया है, बस एक रह गया है। खम्भे वगैरह लगा रखे हैं, देखिए पत्थर के खम्भे वगैरह लगा रखे हैं, देखो कैसे खम्भे हैं, किस तरह से। ये है एक कमरा, ये देखिए चमगादड़, तो इसमें भी है भाई, नहीं जा सकते अंदर, चमगादड़ इसमें भी है, ये देखिए ये लटक रहे हैं चमगादड़। चमगादड़ है छोटे-छोटे से। चलिए थोड़ा सा और अंदर इसके चलते, ऊपर चलते हैं इसके, है ना। चलो ये किसी सरपंच वगैरह का घर होगा, हाँ। इसलिए अभी तक टूटा नहीं है, अच्छा हाँ। वाला मजबूती से बना है। चलो ऊपर चलते हैं, गिर ना जाए। ये देखिए दोस्तों ऊपर आ गए, एक मंदिर भी है यहाँ पर। बाप रे छत का डर लग रहा है, टूट ना जाए छत, हमारी भी गिनती भूतों में हो जाएगी। ये देखिए ऊपर से आ गए, अब दिखाता हूँ आपको पूरा कुलधरा गांव। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये जितना भी वीरान खंडर जो पड़ा हुआ है ना, ये सारा कुलधरा गांव है, कुलधरा विलेज है। ये मंदिर है यहाँ का एक, जो भी तो है। ये देखिए दोस्तों बाकी के जो छोटे मोटे घर हैं ना, वो तो खंडर ऐसे हो चुके हैं गांव में। चलिए ऊपर चलता हूँ आपको लेके। अब इस समय हम पहुंच चुके हैं कुलधरा जो गांव है उसकी जो सबसे ऊंचा जो मकान है ना, इसी सतपालीवाल शायद यहाँ का जो ब्राह्मण जो मैन उसकी मकान की छत पर। हवा बहुत तेज चल रही है, आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों इस समय कुलधरा की सबसे ऊंची जो छत है उस पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। पूरा गाँव देखिए इस प्रकार से लग रहा है, ये पूरा गाँव विशाल रूप में फैला हुआ है। ये गाँव कुलधरा का विलेज बोला जाता है। हिस्ट्री तो आप और ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल वगैरह पर मिल जाएगी कुलधरा विलेज की। और कुलधरा गांव में एक छत पर घूम रहे हैं हम इस समय, वो भी मंदिर के पास वाली छत पर। ये मंदिर है, ये मंदिर है, इसकी छत पर, मंदिर के पास में जो मकान है उसकी छत पर है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों यहाँ से नीचे, हवा बहुत तेज चल रही है, चारों तरफ इसके बाउंड्री की हुई है, बंद कर रखा है ताकि कोई रात में ना रुक सके। रात में नहीं रुकने देते हैं यहाँ पर किसी को भी। चलिए ये भी एक कमरा है शायद, अरे यहाँ तो कोई सोता है, भूत वगैरह सोते हैं। कपड़े वपड़े डले हुए हैं आराम से डले हुए, ये दोस्तों छोटी छोटी गलियां हैं गांव की। कभी अगर इमेजिन करें कि यहां से पब्लिक निकलती होगी, अच्छा जाती होंगे लोग बाग, कितना अच्छा लगता होगा। एक रोड ये इस तरफ भी गांव है, इस तरफ भी गांव है, जैसे अपने गांव में होती है ना दोनों साइड। उसी प्रकार से है ये तराया हो रहा होगा, पहले एक दो तीन चार तीन है, एक दो तीन, ये एक जिधर तू खड़ी है, एक साइड ये रही और एक साइड ये रही। चलिए आ जाइए इधर चलते हैं, मंदिर है टेंपल, चलते हैं। ये भी पत्थर पर चमगादड़ों की आवाज़ है नहीं तो इसके अंदर, यहीं से ले लेता हूँ। कबूतर बैठा हुआ है इधर, ये देखिए कबूतर बैठा है। ये अंदर मंदिर है, किसी की फ़ोटो वगैरह आप तो वैसी लगा रखी है, काली माँ की फोटो लगा रखी है। ये मंदिर है,
ये सब मकान ऐसे ही बने हुए हैं, फूटे हुए। रोशनदान है ये, देखिए ये निकला है। अब ये नई बनाई जा रहे हैं, पानी की टंकी की सुविधा बुलाई जा रही है, नई बना रहे हैं। कैफेटेरिया वगैरह बन रहा है। अरे किस चीज की आवाज है? पब्लिक है, आवाज हुई थी फड़ाक। पूरा खंडर है, कुछ नहीं बन रहा है। बनाया भी होगा तो जो है ये टूट गया। देखिए ताले वगैरह बनाया भी है लेकिन चला नहीं है, बंद कर दिए। देखिए ताले वगैरह लगा दिए हैं ऊपर, है ना, खिड़की वगैरह चले गए। देखो ताले लग रहे हैं, ताले लग रहे हैं। बनाया होगा किसी ने, का टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो यहाँ पर होटल वगैरह, या ये पुराना ही होगा, पर ताले तो उसी समय के लगा करके चले गए। ये देखिए ताले लगे हुए मकानों पर दोस्तों। ये बाद में टूरिस्टों के लिए बनाया है, परंतु ये लगता है कि भूतों ने शायद चलने नहीं दिया तो ये बंद कर दिया है। क्योंकि देखिए पीछे भी देख रहे हैं ना, जो टीन वगैरह सी डाली होगी इस पर, ये सब टूट गई। हम जैसे अंदर एंट्री की थी तो फड़ाक आवाज़ भी आई थी किसी चीज़ की, तो शायद नहीं चलने देते हों दोस्तों। तो ये है हमारे पीछे कुलधरा गाँव, और वो जो कैफे टाइप का सा तो दिखाया था ना दोस्तों, उसका रियल में किसी ने कितने करोड़ रुपए लगा कर, 13 करोड़ रुपए लगा करके रेस्टोरेंट खोला भी था किसी ने, परंतु वो भूतों ने चलने नहीं दिया रेस्टोरेंट दोस्तों। तो वो इस यहाँ के गाइड ने बताया हमको। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? ये भूतों के गाँव में भूत तो नहीं मिले, तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ से निकलते हैं सेंट विंस के लिए, तब तक के लिए बाय।